नमस्कार, मैं इशिका, स्वागत करती हूँ आपका सिटीजन पोस्ट में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म के कास्ट क्रू और ट्रेलर के बारे में। अगर हम बात करें कास्ट क्रू और ट्रेलर की, तो फिल्म सिंघम अगेन में हमें एक बार फिर अजय देवगन की दमदार भूमिका देखने को मिलेगी। उनके साथ ही करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, दीपिका पदुकोण, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, दयानंद शेट्टी उर्फ दया, श्वेता तिवारी, सिद्धार्थ जाधव, रवि किशन और सलमान खान की स्पेशल एंट्री भी नजर आएगी। रोहित शेट्टी, जो इस सीरीज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने अनोखे स्टाइल में फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म की कहानी बाजीराव सिंघम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने अनोखे तरीके से क्रिमिनल का सामना करते हैं। अब बात करते हैं ट्रेलर रिलीज और रिएक्शन की। ट्रेलर रिलीज होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई, जहां कुछ दर्शक इस फिल्म के एक्शन सीन और सितारों के प्रदर्शन को लेकर उत्साहित है, वहीं दूसरी ओर ट्रेलर को लेकर कई मजेदार और आलोचनात्मक टिप्पणियां भी सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ट्रेलर के डायलॉग को ओवर द टॉप बताते हुए मजाक उड़ाया है। किसी ने कहा, क्या ये फिर से वही पुरानी कहानी है? तो किसी ने लिखा, एक्शन तो अच्छा है लेकिन कहानी में कुछ नया नहीं है। ट्रोलिंग का मुख्य कारण ये है कि दर्शकों को लगता है कि फिल्म में वही पुराने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। कुछ यूजर्स ने इसे बेतुका करार दिया है और कहा है कि ये फिल्म सिर्फ एक्शन और ड्रामा पर आधारित है, बिना किसी गहरी कहानी के। इसके अलावा ट्रेलर में दिखाए गए कुछ सीन ने भी लोगों का ध्यान खींचा है, जैसे कि एक सीन जिसमें अजय देवगन का हेलीकॉप्टर से कूदते हैं। इस पर कई मीम्स बन गए हैं। हालांकि ट्रोलिंग के बावजूद सिंघम अगेन को लेकर दर्शकों की उम्मीद अभी भी जिंदा है। क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल होगी? क्या ये फिल्म पिछले भागों की तरह दर्शकों के दिल जीत पाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या आप सिंघम अगेन देखने जाएंगे? क्या आप सिंघम अगेन देखने के लिए उत्सुक हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।